बहुत सारे मेल्स इसलिए कंसर्न रहते हैं कि वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके पीछे जब वो टेस्ट कराते हैं तो समझ में आता है कि स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म की मोटिलिटी या उसका आकार सही नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। ऐसे में वो भागते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और आज मैं बात करूंगी कि अगर आप अपना स्पर्म, मतलब बच्चा होने वाला जो मेन पावर है, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या नेचुरली आपको डाइट में खाना चाहिए। डिटेल में फ्रूट से लेकर वेजिटेबल से लेकर जो आप खाने में स्पाइसेस खाते हैं, सबके बारे में बात करूंगी। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है, बने रहें, जुड़े रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि फूड में ऐसा क्या ऐड करें अगर आप स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आप ये बात जानते हैं कि बच्चा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फीमेल का एग, मतलब उनका अंडा, और आपका जो स्पर्म है, जब तक वो आपस में नहीं मिलता है तब तक कंसीव होना प्रॉब्लमैटिक है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपका स्पर्म बन रहा है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उसमें मोटिलिटी नहीं है, उसका आकार, उसका हेड या उसका हेड टेल ठीक नहीं है, तो वो अंडे से जाके भिड़ेगा नहीं, और भिड़ेगा नहीं तो डेफिनेटली बच्चा नहीं होगा। तो इसके लिए, इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं उसमें से कोई एक ही इतना एक्टिव होता है कि वो अंडे के अंदर जल्दी घुसता है, तो क्वांटिटी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जिंक युक्त खाना खाना है। जिंक जितना ज़्यादा होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि जितना जिंक ज़्यादा होगा उतना आपका वीर्य भी गाढ़ा और उतना आपकी स्पर्म की क्वांटिटी भी बेटर। अब जिंक के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं। जिंक बढ़ाने के लिए आपको जरूरी है मीट, फिश, शेलफिश, एग्स, बीन्स, चिकपीज, मतलब जो मटर के दाने हम कहते हैं, साथ साथ कैश्यू, आलमंड्स, मतलब आपका बादाम, आपके काजू, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी बड़ी चीज़ की अगर मैं बात करूँ वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं वो आपका बहुत बहुत भला करने वाली हैं, स्पेशली अगर उसमें वाइटामिन ई ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो वजाइना का डिस्चार्ज होता है फीमेल्स का, वो यूजली एसिडिक होता है। ऐसे में अगर हमें स्पर्म को अंदर ले जाना है तो जितना एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना बेटर है। क्या क्या चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट में अच्छी हैं और आपके किचन में मिलती हैं, स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंदी, अखरोट, वॉलनट्स, पम्पकिन, एवोकाडो, बीटरूट, मतलब आपका जो चुकंदर है, रेडिश, मतलब आपकी मूली, कैबेज, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं। तीसरी बड़ी चीज़ की बात करूँ तो फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक का मतलब होता है मेथी। मेथी के जो बीज हैं वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ साथ मेथी आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करती है। तो फेन्यूग्रीक सीड्स आप चाहें तो सुबह उठ के खाने में ले सकते हैं, या वैसे भी फेन्यूग्रीक सीड्स आप वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। फिर बात करूंगी उस खाने की जो सी और डी में बहुत अच्छे होते हैं। सी और डी, विटामिन सी एंड डी। डी विटामिन तो वैसे भी हर तरह की सेक्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, धूप से आप विटामिन डी को ले सकते हैं, साथ साथ अगर आप चाहें तो एग, थोड़ा सा आपका पनीर, थोड़ा सा आपका मिल्क, ये विटामिन डी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। और विटामिन सी, जिसमें थोड़ी सी खटास होती है, जो हमने कोविड के टाइम्स पे लर्न किया, विटामिन सी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी खट्टी चीज़ें, आंवला, अंगूर, आपका जो माल्टा रहता है या फिर आपका संतरा रहता है, किन्नू रहता है, इन सबको आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर, पोटैटो, गुआवा, अंगूर, ये सब इसमें बहुत अच्छा है। फिर मैं बात करती हूँ अश्वगंधा की। अश्वगंधा तो मैं, पता है, चाहे दिमाग हो, चाहे आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी की बात हो, अश्वगंधा बहुत बेटर है। रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है कि अगर आपकी डेली डाइट में 5 ग्राम्स अश्वगंधा है तो आपकी स्पर्म क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। अब मैं अश्वगंधा की बात करूं तो अगर अश्वगंधा के साथ साथ आपको और, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर और विटामिन ई, सी, डी की मैंने अगर बात की है यहाँ पर, अगर ये सारा आपको वन एंड ऑल मिल जाए तो इससे अच्छा क्या
हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी, आपके कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का बड़ा ही तीखा रिलेशन है आपके स्पर्म क्वालिटी से। तो आपका स्ट्रेस है, कंसंट्रेशन है, फटीगा फील करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, साथ साथ आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, इन सब के लिए अश्वगंधा वन एंड ऑल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अश्वगंधा की जो रूट्स हैं वो बेसिकली आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करते हुए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे फूड्स की, मैंने आपको ये तो बता दी क्या लेना है, मैं बात करूंगी क्या आपने नहीं लेना है, ताकि डेफिनेटली आप उसको इंक्लूड ना करें। तो कुछ ऐसे फ्रूट जो अपने डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेने अगर आप अपने स्पर्म क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक है सोए। सोया वाली चीजें आपने अपनी डाइट में नहीं लेनी है, क्योंकि एक तो आपकी स्पर्म मोटिलिटी खराब करता है, सब स्पर्म की क्वांटिटी खराब करता है, साथ साथ जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, मीट है, शुगर है, जूसेस हैं, इन सबको जो डब्बे वाली चीजें हैं वो आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। साथ साथ क्या करना है, एक अच्छा वर्कआउट करना है, जितना आप फिजिकल कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होने वाला है। स्ट्रेस, जिसके बारे में मैंने बात की थी और बताया भी था कि अश्वगंधा उसके लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस जितना होगा एंजाइटी उतनी होगी, अपने आपका इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, आपका अच्छा स्पर्म बनने में प्रॉब्लम आएगी, उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो इरेक्शन तो वैसे भी नहीं होता और ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा के परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो भी अल्टीमेटली आपको किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस को हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छी नींद हमेशा बोलती हूँ बहुत अच्छी है, और स्मोकिंग और अल्कोहल एक बार के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे 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 ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस दिया स्पर्म की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और अगर आप ओवरऑल चाहते हैं कि भाई मैं अच्छे से कंसीव कर पाऊँ और एक बहुत अच्छा बेबी मेरे घर और उसकी किलकारियां गूंजे, तो फिर इन चीजों को, ये जो लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस हैं, इनको आपने करना ही करना है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होगी, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो, जिसपे और बहुत अच्छा कंटेंट आता है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। कोई पर्सनल इश्यूज हैं मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर निया ऑफिशियल, और कोई और टॉपिक है आप चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सफर कर रहे हैं, आप चाहते हैं डॉक्टर ने उसके बारे में बात करो, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। थैंक यू एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो।